नमस्कार, मैं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं एजेड न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बाराबंकी से, जहां पर बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हुई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और अपराधियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने हत्या के प्रयास में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि पूरा मामला बाराबंकी के थाना मसौली का है, जहां पर अपराधियों और पुलिस में मुठभेड़ हुई है, जहां पर कार्रवाई करते हुए दो सातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। मसौली पुलिस को सूचना मिली थी कि हत्या और हत्या के प्रयास का अपराधी इस क्षेत्र में है, उसके लिए घेराबंदी की गई थी। तो दो अपराधियों के आने की पुलिस को सूचना मिली, जिसमें घेराबंदी की गई। अपराधियों द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया, जिसमें हेड कांस्टेबल रामनयन घायल हुआ। इसी काउंटर फायरिंग में दो अपराधी मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जिनमें चोट लगी, उनको गोली लगी है और उसके बाद उनको हॉस्पिटल लाया गया है। अभी हमारा हेड कांस्टेबल और दोनों अपराधी यहाँ पे हैं, एक अल्ताफ हुसैन है और एक दिनेश रावत है, जो हत्या और हत्या के प्रयास में वांछित थे, लगातार अपराध कर रहे थे। अभी मुठभेड़ में गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। ये ITI रोड मसौली पे ये घटना हुई थी, ग्राम करसंडा के पास में, वहीं सूचना मिली थी, वहीं पे मुठभेड़ हुई और उसके बाद अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है, यहाँ पे इनका इलाज जारी है। कुछ वेपन्स वगैरह? हाँ, इन एक 32 बोर वेपन और एक तमंचा और एक गाड़ी इनके पास से बरामद हुई है, और इसी को लेकर के ये फिर अपराध के लिए ही निकले थे, कहीं हत्या करते, लूट करते, तो इसी क्रम में ये अपराधी पकड़े गए हैं।